बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। 14 मार्च है 2023, 22 शबान, 1444 हिजरी, 30 फागुन और मार्केट माइनस 40 पॉइंट्स, मतलब केसी 100 इंडेक्स माइनस 40 पॉइंट्स। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं जब जहांगीर सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड, और ये हम कर रहे हैं काशिफ सिद्दीकी भाई के लिए, हमारे बड़े प्यारे इससे सब्सक्राइबर हैं जनाब। इसको पहले भी बता चुके हैं कि जी ये जो है ना, इसने 18 दिसंबर 2021 को हमने किया था, उस वक्त इसका शेयर 15 रुपये 26 पैसे है और अब ये गिर के 11 रुपये 19 पैसे आ गया। ये क्यों 11 रुपये 19 पैसे आया, इसकी मुहरकात हम ज़रा डिस्कस कर लेते। सबसे बड़ी चीज़ है देखिए कि इसका जो पे आउट है और इसका जो, अगर आपको ले चलें तो इसका जो ईपीएस है ना, वो बहुत ही थका हुआ ईपीएस है। 0.36 इसका ईपीएस है और इन्होंने जो डिविडेंड दिया वो सिर्फ 0.6%, मतलब 6 पैसे पर शेयर इन्होंने हमारे हमको डिविडेंड दिया। तो अब आप 0.36 ईपीएस पे सिर्फ 6% 6 पैसा दे दिए, बड़ा तीर मारा है, तो इस पर शेयर गिरेगा नहीं तो क्या होगा। तो ये मैं कहता हूँ, ये जितनी कंपनीज हैं, जिस तरह ये हो गई हैं, साइकिल ग्रुप की कंपनीज हैं, पहल ग्रुप है, ये क्या कहते हैं जहांगीर सिद्दीकी है, और वो क्या कहते हैं जे जी ट्रिपल जे, ये सब मैनिपुलेटेड कंपनीज हैं। ये अपने शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं देती, ये बिल्कुल ही ना, जब सेठ की कंपनी है तो वो लोगों को पैसे नहीं देती। तो अब हम आपको जा रहे हैं इसके फाइनेंशियल एनालिसिस पे। मेरे हिसाब से जहांगीर सिद्दीकी कंपनी जो है जेएसआईएल पिट चुकी है और इसमें अब जान नहीं रही। मैं आपको काशिफ सिद्दीकी आपसे सिर्फ रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ एग्जिट फ्रॉम दिस शेयर, नॉट रिकमेंडेड। ये मेरी ओपिनियन है, आप मुझसे बिल्कुल डिफर कर रहे हैं, आपको पूरा हक है, बट मेरी ओपिनियन इसकी जो है ना वो ये है कि इसमें फ्यूचर में अभी कोई इमीडिएट क्लोज नहीं है। हमारी आप ये वीडियो आपको कैसे लगी, अपना ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जा रहे होंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीन। थिंक नेचुरल, बी नेचुरल, ड्रिंक नेचुरल, मणिपुरी, गेटिंग बेटर विद एज।